जब तक मैडम राज्यसभा नहीं जाएंगी तो तब तक हम ताउम्र चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। जी सर, आप तो सर मैडम राज्यसभा नहीं जा रही है, साफ तौर पे चुनाव नहीं लड़ रहे सर। जब तक वो नहीं जाएंगे तब तक, हमने ये कहा था कि जब तक वो किसी सदन में नहीं जाएगी तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे सर। जी जी जी, अब तो सर साफ हो गया ना आरजेडी का सर इस तरीके से बिहार से। सर क्या लगता है सर 2000 सर अगले चुनाव में सर क्या लगता है बिहार में, खास करके सीवान में? देखिए मैडम को राज्यसभा नहीं भेजने से आरजेडी को नुकसान तो बहुत होगा, इसलिए दो राय नहीं, सीवान में नहीं पूरे बिहार में होगा सर। जी जी, लेकिन सीवान में तो कम से कम, सीवान में तो 50-60% नुकसान होगा, पूरे बिहार में 10-15% नुकसान हो जाएगा आरजेडी को। क्या लगता है सर इससे, इस तरीके से सर बिहार में सर एकदम से आरजेडी को लेकर शहाबुद्दीन समर्थक में एक अलग नाराजगी है, सीवान से सर एकदम अलग तरीके से वो सब नाराज हैं सर। जब सर सर उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। जी जी, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है सर। सर जिस तरीके से सर शहाबुद्दीन शाह का सर निधन हुआ था सर, उसके बाद सर तेजस्वी यादव ने कुछ आवाज नहीं उठाया सर इस तरीके से। देखिए वो बातें पुरानी हो गई, उसमें हम अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी ताजा जो समाचार है, बिना मैडम को राज्यसभा नहीं भेजना आरजेडी का सबसे बड़ी भूल है। जी सर, बिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजना आरजेडी का सबसे बड़ा भूल है सर। सर आप तो सर आरजेडी सर परिवार से सर काफी करीबी माने जाते हैं सर, लालू परिवार से सर आपका एक पुराना ताल्लुकात रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहा सर। सर आपको क्या लगता है सर? चलिए, हमने अपने स्तर से भी बहुत कोशिश किया कि हिना मैडम को राज्यसभा भेजा जाए। जी, लेकिन जिंदगी में पहला बार राजनीतिक कन्विंसिंग हमारा कमजोर पड़ गया, लेकिन आज तक हम जो भी राजनीतिक कन्विंसिंग किए 80 में पास हो गए हैं। जी जी, इस बार पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, हमको समझ से परे है जी, हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमें आश्वस्त कर दिया गया था कि हीना मैडम राज्यसभा जाएगी। जी सर, अगले सर चुनाव सर आने में सर अब सर क्या अंदाजा सर लगाया जा सकता है एमवाई समीकरण का सर, जिस तरीके से मुस्लिम और सर यादव का एक अलग समीकरण सर राजद के साथ सर चलता था, इससे सर क्या कहा जा सकता है? राजनीति में कुछ कहना जल्दीबाजी हो जाएगी। जी, तो बड़े बड़े नेता निर्णय लेंगे इस माहौल को कैसे वो निपटते हैं, अभी तो शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, हम लोग तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जुड़े थे और जुड़े हैं, तो अब इसमें शीर्ष नेतृत्व क्या करता है वो तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएगा सर। सर हिना साहब को सर अभी क्या करना चाहिए, जिस तरीके से सर राज्यसभा सर लेके सर पूरे समर्थक का एक अलग सोच था कि मैडम हिना साहब को जदयू में चले जाना चाहिए, हमारे मन से हमारा अपना व्यक्तिगत राय है जी, जहां मान सम्मान न मिले। जी जी, जहां एक बार दो बार तीन बार चार बार हमेशा धोखा मिले, जगह बदल देना चाहिए। बिना मैडम को अपने सारे समर्थकों के साथ जदयू में या किसी और दल में चले जाना चाहिए। सर अगर मैडम जेडीयू में जाती हैं तो सर आपका उसमें सर क्या सर समर्थन रहेगा पूरे तरीके से? सर सबसे आगे मैडम से, मैडम के साथ साथ सबसे आगे कदम न कदम मिलाकर हम मैडम के साथ रहेंगे, हमें किसी पार्टी से न परहेज है न दुश्मनी है न दोस्ती है, हम व्यक्तिगत तौर पर किसी के साथ रहते हैं, भाजपा में रहते हुए भी, भाजपा में है भी, उसके बावजूद भी हम हीना मैडम शहाबुद्दीन साहब के परिवार से जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं। पार्टी निर्जीव चीज होती है और व्यक्ति सजीव होते हैं, व्यक्ति ही पार्टी को बदनाम करते हैं और व्यक्ति ही पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, तो हम व्यक्ति विशेष के नेता हैं, हम किसी पार्टी के नेता नहीं है। मैडम जहां जाएगी वहां हम रहेंगे उनके साथ। सर जिस तरीके से सर शहाबुद्दीन समर्थक में सर एक अलग खलबली मची हुई है पूरे सीवान में सर, काफी सर आरजेडी को लेकर सर सर राजनीति हो रही है सर सीवान में, जिसमें सर चुना पाए इस बार इसका श्याम बहादुर सिंह का सर एक अलग अभी बयान आया है सर। सर श्याम बहादुर सिंह ने साफ तौर पर कहा है जी,
सर मानव सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मैडम जेडीयू में आ जाती है तो हम लोग का हाथ एक अलग मजबूत होगा। बहादुर सिंह ने जो कहा है उस पर हम कोई चुप्पी नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा अच्छा कहा, अपने समझ से ठीक ही कहा उन्होंने, लेकिन हम भी व्यक्तिगत तौर पर अपने मन से कहेंगे जो शाह बहादुर सिंह कह रहे हैं अच्छी बात कह रहे हैं जी। मैडम को अब ज्यादा तिरस्कृत होने की जरूरत नहीं है। मैडम को अपने समर्थकों की भावना को देखते हुए अविलंब आरजेडी को त्याग देना चाहिए। अगर ऐसा वो नहीं करती है तो हजारों लाखों करोड़ों समर्थकों का मनोबल गिर जाएगा। और मीना मैडम सावनी साहब का समर्थक सिर्फ सिवान में नहीं है, पूरे बिहार में है। सर आपने सर फेसबुक पे सर हर एक मुद्दे पे सर आप एक अलग अपना पहचान देते हैं सर, लाइव आके सर हर एक बात अपनी रखते हैं सर, इस पे सर क्या कुछ आपका ये है? आपने सर इस पर कुछ ट्वीट नहीं किया सर? नहीं, अभी आपने हमसे जितना प्रश्न पूछा जी जी हमने बेबाकी से सर सभी प्रश्नों का हमने जवाब दिया। कल हम इतना दुखी थे जी जी बिना मैडम के राजसभा नहीं जाने से, या अपने दुख को हम कैसे प्रकट करें हम समझ नहीं पा रहे थे। अभी सुबह हमको केशव जी फोन किए थे जी जी, तो हमसे इंटरव्यू लिए जी जी, इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया, आप उनका इंटरव्यू देख लीजिए। अभी आपने हमको टेलीफोन किया, आपने अभी हमारा इंटरव्यू लिया जी जी, हमारे बातों में सही अगर इफ बट लग रहा हो तो आप बताइए। नहीं 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 अब चलिए आप हम सर आप सारे दर्शकों के बीच हमारे साथ पूर्व एमएलसी पिंडाजी पांडे सर अभी कॉल लाइन पे सर जुड़े थे, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। ऐसे मैच से धन्यवाद। ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद सर।